नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक मामला संविधान पीठ को सौंपा, 11 मई से लगातार होगी सुनवाई। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में पहले भाषण में कहा, यूपी की 22 करोड़ जनता के बारे में सोचकर काम करना है। उत्तर प्रदेश में महोबा के कुलपहाड़ क्षेत्र में महाकौशल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, दर्जनों घायल, साजिश की आशंका। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन में कहा, पानी पर मत लड़ो, कौन जाने कब किस नदी की धारा बदल जाए। विपक्ष का सरकार पर आरोप, राजनीतिक दलों के लिए चंदा उगाही के भ्रष्ट रास्ते खोल रही है सरकार। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की विधायकों को नसीहत, क्षेत्र के लोगों की तकलीफों में शामिल रहे, अधिकारियों से बात करने में बरतें सतर्कता। भारत के 128 रूटों पर शुरू होगी आम आदमी की उड़ान, सरकार ने किया रूटों का आवंटन, पहली फ्लाइट अप्रैल में हो सकती है शुरू। मध्य प्रदेश में 2535 मदरसों को मिली आधुनिक विषय पढ़ाने की मान्यता। असम के चिरांग जिले के सीमा लागुरी क्षेत्र में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में NDFB के 2 उग्रवादी मारे गए। नोएडा पुलिस का दावा, केन्या की लड़की पर नहीं हुआ नकली हमला, मित्रों से हुआ था झगड़ा। आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले के मोगालुगु स्थित एक्वा फूड पार्क में रासायनिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत। अमेरिका के टेक्सास में बस और ट्रक में टक्कर से कम 12 लोगों की मौत तथा 3 अन्य घायल हुए। इसराइल विरोध स्वरूप संयुक्त राष्ट्र की 20 लाख अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद में करेगा कटौती। शाकिब अल हसन के बाद दुनिया के नंबर 2 ऑलराउंडर बने रविंद्र जडेजा, 3रे नंबर पर हैं भारत के ही रविचंद्रन अश्विन। तुर्की की लंबी दूरी की धाविका एलवान एबेलेगेसी और गामजे बुलुत को डोपिंग में दोषी पाया गया, छीनेंगे ओलंपिक पदक। ये थी आज की प्रमुख खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।